हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे भाई आप सब? उम्मीद करता हूँ, आई होप अपनी अपनी ज़िंदगी में आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे और भाई मस्त होंगे। तो करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल विक्की ट्रकिंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत और करते हैं आज वाले ब्लॉग को स्टार्ट। आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हो और अभी तक भाई मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लो, मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। हर लंबी ट्रिप मारता हूँ मैं और जैसे खर्चा और बचत का वीडियो में डालता हूँ तो इस बार भी वीडियो बनाया हूँ और आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा कितना खर्चा हुआ, कितनी बचत हुई अपने को इस वाले चक्कर में। तो दोस्तों उस दिन तारीख थी 11 तारीख छठा महीना 2024 और वापस आया वो 19 तारीख छठा महीना 2024। कहाँ से गाड़ी भरी थी मैंने ये देख सकते हो, सेंधवा से चिखली प्लस वलसाड़ का माल भर के गया था मैं दो डिलीवरी का, और फिर वहाँ खाली करने के बाद वापी से इंदौर का आधा माल भरा था, आधा माल उदयपुरा का भरा था ड्रम। उसके बाद में उदयपुरा खाली करने के बाद में इंदौर का माल भर के आया था उदयपुरा से इंदौर, और इंदौर से फिर सेंधवा का माल भर के आया था। तो ये लिखा है सेंधवा तक का, तो ये आगे खर्चा देख सकते हो आप लोग। 750 रुपये सेंधवा हिमाली पशु आहार लोडिंग कराई लगी थी, सेंधवा से जो चिखली के लिए माल भरा था उसका 750 रुपये हिमाली लगी थी। उसके बाद में 500 रुपये ट्रांसपोर्ट का कमीशन दिया था मैंने, यही लोडिंग कराया था अपना पशु आहार उसका। और उसके बाद में आप देख सकते हो आगे 750 रुपये हिमाली वलसाड़ की लगी खाली करने में अपने को। उसके बाद खाली करके मैं चले गया भाई वापी, और वापी एक दिन रुक गया, वहाँ गाड़ी नहीं भराई अपनी, दूसरे दिन गाड़ी भराई। तो फिर वहाँ से ड्रम भरे सबसे पहले मैंने दादरा चेक पोस्ट के पास से 150 रुपये ड्रम भराई, चाय पानी दी थी भाई हिमालों को। उसके बाद में बिल्टी के दिए थे 200 रुपये वापी में, जहाँ गाड़ी अपनी लोडिंग करी थी ड्रम, एक माल डाल लिया था मैंने ड्रम। उसके बाद फिर अपने को डबल डिलीवरी माल मिल गया था इंदौर का। ड्रम भरने के बाद में आ गया भाई वापी, तो 250 रुपये चाय पानी और बिल्टी के वापी में दिए थे, परचून लोड कर रहा था इंदौर का उसका। उसके बाद में अब्दुल भाई का कमीशन आ गया, ये तो दो माल भरे थे ना इसमें, तो कमीशन बढ़ के रहेगा इसमें, क्योंकि एक तो ये ड्रम भरा था दूसरा परचून भरा था, तो 1000 रुपये ट्रांसपोर्ट का कमीशन आ गया अब्दुल भाई ट्रांसपोर्ट कमीशन वापी। उसके बाद में पहुँच गया मैं इंदौर, इंदौर पहुँचने के बाद गाड़ी अपनी खाली करी तो 250 रुपये चाय पानी परचून खाली करने के लगे थे, ये 100 रुपये मैंने पीछे लिख दिए, आगे लिखना था ऊपर, लेकिन क्या है भाई थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, एडजस्टमेंट कर लेना, क्योंकि याद कर करके लिखना पड़ रहा था ना इसीलिए भाई। तो 100 रुपये काटा कराया था वापी में मैंने, वजन चेक करा था क्योंकि अपनी गाड़ी में वजन है ना 13 टन 300 किलो वजन हो गया था, तो पास तो 13 400 450 कर लेती है अपनी गाड़ी, तो 100 रुपये वो लगे। फिर उसके बाद में 400 रुपये निवाली और सेंधवा बॉर्डर के लिख दिए मैंने एक साथ में, क्योंकि पर्चा पूरा भर गया है ना इसीलिए एक साथ में लिख दिए, ये चार बार आना जाना हुआ अपना, तो 400 रुपये ये हो गए। 250 रुपये ड्रम खाली कराई उदयपुरा चाय पानी दी भाई, जहाँ अपन खाली करें ना ड्रम, वापस से जो ड्रम भर के गया था वो इंदौर खाली करके मैं सीधा कहाँ पहुँच गया उदयपुरा, उदयपुरा पहुँचा वहाँ पे लगे ये 400 रुपये, ओ सॉरी 250 रुपये। उसके बाद में खाली करके मैं एक दिन रुका वहाँ पे, गाड़ी नहीं भराई, दूसरे दिन गाड़ी भराई अपनी, तो ये 100 रुपये काटा मूंग भराई उदयपुरा, मूंग भर के आया था इंदौर का तो उसके काटा कराया था उसका ये। उसके बाद में मूंग की हिमाली है ये 400 रुपये हिमाली लगी मूंग उदयपुरा में, गाड़ी भरी उसका। उसके बाद में वहाँ से निकल आया और फिर ये 200 रुपये लिखे हैं मैंने चुटबुट खर्चा, जैसे कि 200 रुपये इसलिए लिखे दोस्तों क्योंकि 10 रुपये 20 रुपये चुटबुट में ऐसे ही चले जाते हैं, किसी को 10 दिए किसी को 20 दिए किसी को 50 दिए, ऐसा करके मैंने 200 रुपये एक साथ में चढ़ा दिया ये भी। फिर पहुंच गया दोस्तों मैं सीधा इंदौर, सीधा इंदौर पहुंचा दोस्तों 750 रुपये मूंग खाली कराई इंदौर में हिमाली लगी, 100 रुपये काटा कराई लगी, और फिर उसके बाद में खाली करके और अपनी तिरपाल छोटी पड़ रही थी तो तिरपाल सिलवाना था अपने को, वो जो कपड़े वाली तिरपाल ली थी ना मैंने वो वाली, तो जो जो एक्स्ट्रा पैसे लगे उस पर मैंने गोल का निशान लगाया है, तो देख सकते ये अपने को बचने वाले पैसे थे लेकिन लगे हैं तो खर्चे में डाले भाई, क्योंकि गाड़ी के खर्चे में लगे हैं ना इसीलिए। 1600 रुपये तिरपाल सिलाई के लगे, और ये ट्रांसपोर्ट का कमीशन आ गया जय भारत ट्रांसपोर्ट कमीशन मूंग का, तो ऊपर लिखना था ये भी नीचे लिख दिया मैंने, क्या भूल गया था ना इसीलिए, चलो कोई बात नहीं आगे पीछे हो जाएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग भी। उसके बाद में 3500 रुपये टायर लिया इंदौर में, एक टायर फूट गया था अपना
पीछे वाला ड्राइवर साइड का बाहर वाला टायर फूट गया था, तो एक टायर मैंने लिया वहाँ पे 3500 रुपये में, और 700 रुपये में ट्यूब लिया था मैंने उसका अलग से, और खोल फिटिंग करके उसके 800 रुपये बन गए थे। तो मेरा टायर दे दिया था उनको पुराना वाला फूटा हुआ, तो फिर अपने से उन्होंने 3500 रुपये लिए, तो मैंने 3500 ही लिखे, ऐसे तो ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपना टायर भी दिया ना उनको और ट्यूब ले लिया, और समझ लो उनकी मजदूरी जो है वो उन्होंने नहीं ली, तो इसीलिए 3500 रुपये में अपना सब काम हो गया था। तो एक टायर लेके डाला था गाड़ी में, उसके 3500 रुपये ये गोल निशान लगाया है मैंने। उसके बाद में ये देख सकते हो 1100 रुपये टायर पंचर और पेच लगवाए थे उसके। वापिस जाते हुए व्यारा में टायर पंचर हुआ था मेरा, सेंधवा से जब मैं भर के जा रहा था, तो अपने को 500 रुपये वहाँ पे लग गए थे, पेच लगाया था और एक पंचर हो गया था। एक बार व्यारा में पंचर हुआ, उसके बाद में निकल गया और फिर जैसे ड्रम भर के गया उदयपुर पहुंच गया था ना, वहीं पे पंचर हो गया था। तो गाड़ी खाली करने के बाद मैंने वही टायर को वापस बनवाया, तो वापस से उसको पेच लगाना पड़ा, तो 500 रुपये वो वहाँ पे लग गए थे, ऐसे करके 1000 हो गए थे। फिर वापसी आने में टायर फूट गया था ये, मैं क्या इसको खुलवा के देखते हैं कभी बनता है तो इसी को बनवा लेंगे करके खुलवाया, तो वो टायर नहीं बन पाया, तो 100 रुपये मजदूरी वहाँ दी थी करके ये 1100 रुपये टायर के हो गए थे अपने। उसके बाद में इंदौर आ गए, फिर अपनी गाड़ी भरने चले गए, गाड़ी भरने गए तो 500 रुपये ट्रांसपोर्ट का कमीशन दिया इंदौर में, सेंधवा का माल भरा उसका, है ना। उसके बाद पहुंच गए सेंधवा, गाड़ी वाड़ी खाली कर दी मैंने, और फिर आ गया मैकेनिक नगर। मैकेनिक नगर आके मैंने अपना कमानी का काम भी था, तो कमानी भी खुलवाई, और एक बूस्टर में लीकेज हो रहा था अगले वाले बूस्टर में, तो बिरक मारने पे जैसे मार रहे थे तो प्रेशर लीकेज हो रहा था, तो बूस्टर की जो रोटी आती है ना रबड़ की वो ख़राब थी, तो वो रबड़ की रोटी डाली हमने, तो उसके हो गए ये 300 रुपये, ये बूस्टर की मजदूरी 300 रुपये देख सकते हो। उसके बाद में आप देख सकते हो आगे 3940 रुपये पार्ट्स वाले के बिल हो गया ये, और 3820 रुपये कमानी का बिल हो गया ये। जैसे गाड़ी में कमानी में काम कराया, मैं पीछे दम दिलाया और कुछ पत्ते टूटे हुए थे उसमें, तो करीबन 5-6 पत्ते निकल गए थे टूटे, और एक मेन पत्ता भी क्रैक निकला अपना, तो मेन पत्ता भी नया डाला था, बूझ डाले थे, पीने नहीं डाली थी, वाइशर लाया था उसकी जो लगती साइड में कमाने में वो करके उसके, है ना, ये टोटल बिल हो गया था अपना पार्ट्स वाले का 3940 रुपये, और ये 3820 रुपये अपने मजदूर के जो मजदूरी कमाने वाला है ना उनके हो गए थे। ऐसा करके ये गोल गोल निशान लगा के रखा हूँ मैं, जो जो अपने को खर्चा लगा है, जैसे एक्स्ट्रा खर्चा लगा, तो ये 5 जो गोल निशान लगा ये एक्स्ट्रा खर्चा लगा, ये अपने को बचने वाले पैसे थे, लेकिन अब गाड़ी में लगे हैं तो गाड़ी के खर्चे में ही जाएंगे ना, जैसे गाड़ी से कमाए हैं तो गाड़ी में ही लगे हैं, ये तो गाड़ी के खर्चे में डालना पड़ेगा, है ना। ये हो गया, उसके बाद में टोल टैक्स देख सकते हो आप, 5500 रुपये टोल टैक्स हो गया, 5500 रुपये टोल टैक्स कैसा हुआ, जैसे यहाँ से सेंधवा से वापिस गया, वापिस से मैं इंदौर से सीधा उदयपुरा, और उदयपुरा से वापस इंदौर से घर तक का 5500 रुपये टोल टैक्स अपने को लगा है दोस्तों, ये देख सकते हो 5500 रुपये वो हो गए ये। उसके बाद में डीजल हो गया अपना 31900 रुपये का डीजल हो गया दोस्तों, है ना। उसके बाद में एवरेज क्या दिया वो भी बताऊंगा, कितने लीटर आया वो बताऊंगा, उस साइड में लिखा हुआ है 4500 रुपये मेरी पगार और फूफा जी की पगार हो गई 9 दिन की, 9 दिन में एक ट्रिप लगी है अपनी, और कितनी बचत हुई वो तो साइड में लिखा है, बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, पहले खर्चा बता देते हैं आप लोगों को। 4500 के बाद में 3600 रुपये हमारा भत्ता हो गया भाई 9 दिन का, 400 रुपये रोज के हिसाब से, और ये 2000 रुपये ट्रिप के हो गए हमारे, 1000 फूफा जी को दिए, 1000 रुपये मैंने रख लिए, ऐसा करके टोटल 69110 रुपये खर्चा हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हो। ऊपर से एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देख सकते हो, अब इस साइड चलते हैं, ये देख सकते हो, अब मैंने भाड़ा लिखा है यहाँ पे 13000 रुपये भाड़ा सेंधवा से चिखली प्लस वलसाड़ का था, 10 टन वजन था इसका, है ना, सेंधवा से जो भर के गया उसका भाड़ा, आधा माल चिखली खाली हुआ, आधा वलसाड़ खाली हुआ था। उसके बाद में डबल डिलीवरी डाला था, ये दोनों भाड़े मैंने अलग अलग लिख दिए हैं यहाँ पे। 14000 भाड़ा वापिस से इंदौर का परचून का था, उसका 65 क्विंटल वजन था। उसके बाद 38000 भाड़ा था भाड़ा वापिस से उदयपुरा का ड्रम का, उसका वजन था भाई 6 टन 800 किलो, ऐसा करके टोटल वजन बन गया था दोनों का एक साथ में 13 टन 300 किलो वजन हो गया था। 14400 रुपये भाड़ा उदयपुरा से इंदौर का भाड़ा था, 12 टन वजन था उसका, किसका, मूंग का, मूंग भर के आया था, और जिसमें
लफड़ा हुआ था मेरा, 60 किलो वजन कम आया था और भाड़ा काट रहा था वो, तो भाड़ा वाड़ा कोई काटा नहीं और अपने ट्रांसपोर्ट वाले ने भाड़ा दिला दिया था, जय भारत ट्रांसपोर्ट वाले सुनील भैया ने, तो पूरा पूरा भाड़ा मेरा खाते में आ गया था दोस्तों वो भी। उसके बाद देख सकते हो आप 7500 रुपये भाड़ा इंदौर से सेंधवा का था, उसका वजन था भाई 9 टन है ना, वजन भी पूरा पूरा लिखा हुआ मैंने जितना वजन भर के गया था आया था वो, और ऐसा करके भाड़ा 86900 रुपये टोटल भाड़ा बन गया था दोस्तों मेरा। उसके बाद मैंने ये खर्चा लिख दिया यहाँ पे 69110 रुपये, कहाँ पे ये रहा यहाँ से यहाँ लिख दिया मैंने, ये खर्चा माइनस कर लो 86900 रुपये यहाँ लिखे भाड़ा टोटल ये रहा 86900 रुपये माइनस करो 17790 रुपये अपने को बचे हैं दोस्तों। कितने दिन में? 9 दिन में। मैं आपको बताता हूँ पैसे अपने को ज़्यादा बचते हैं, पैसे यहाँ कम क्यों बच रहे हैं, क्योंकि मैंने गाड़ी का काम करा लिया था ना इसीलिए। अब देखते हैं आगे एवरेज और किलोमीटर, 1970 किलोमीटर गाड़ी टोटल चली है, 345 लीटर डीजल लगा है गाड़ी में, 5-7 का एवरेज आया है गाड़ी का, 9 दिन में एक ट्रिप लगा है, 17790 रुपये बाकी बचे अपने को। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को उस साइड का जो गोल गोल मैंने निशान लगाया है वो खर्चे डाले हैं, वो पैसे अपने को बचने वाले थे लेकिन गाड़ी में लग गए हैं वो, तो वो भी अपने को बचते पैसे, फिर भी अपने को काम कराने के बाद में जो है ना 17790 रुपये बच गए हैं भाई। लंबी दिला दिया, पत्ते जो टूटे थे वो भी डला दिए, तिरपाल भी करवा दी, बाकी टायर फूट गया था वो भी डाल लिया, एक पुराना वाला टायर में नया डालने वाला था जोड़ा, लेकिन अगर नया टायर डालता तो गाड़ी की किस्त नहीं डल पाती, क्योंकि गाड़ी की 10 तारीख को किस्त डालना था वो बाउंस हो गई थी, तो मैंने सोचा भाई मेरे पास में थोड़े बहुत पहले के पैसे पड़े हुए थे और 17-18 हज़ार रुपये ये बचे करके मैंने 36 हज़ार रुपये गाड़ी किस्त आती मैंने डाल दी, किस्त पहले डाल दो भाई क्योंकि रास्ते में परेशानी आई, कोई फाइनेंस वाला गाड़ी रोक ले परेशान करे, उससे अच्छा पहले किस्त डालो, और टायर वायर तो जो है पुराना डाल के धक्का भी सकते हैं, इसलिए मैंने पुराना टायर डाल लिया। तो यही बचत हुई दोस्तों अपने को 17790 रुपये, और मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, नीचे बैठता हूँ और जो अपने को बचने वाले पैसे थे वो भी एक बार जोड़ के देखते हैं कि कितने पैसे अपने को बचते अगर गाड़ी में टायर नहीं फूटता, गाड़ी की तिरपाल नहीं सिलवाते और गाड़ी कमाने का काम नहीं करवाते। तो ये देखो दोस्तों 1600 रुपये ये बचने वाले थे अपने को जो तिरपाल सिलाई, और 3500 रुपये में टायर लिया ये बचने वाले थे अपने को, 300 रुपये बूस्टर का काम करा ये बचने वाले थे, 3920 रुपये की 40 ये बचने वाले थे, और 3820 रुपये ये बचने वाले थे अपने को, 13160 रुपये ये, और इसमें ये वाले डालो बचने वाले ये बचे हैं 17000 एक मिनट बराबर 17790 रुपये, ये देख सकते हैं दोस्तों 13160 रुपये उधर खर्चे में चले गए, ये बचने वाले पैसे थे लेकिन गाड़ी में लग गए ना इसीलिए, अभी ये 17790 में जोड़ा मैंने 30950 रुपये ये बच जाते अपने को। अगर गाड़ी में काम नहीं आता तो 30950 रुपये मतलब 31000 रुपये बचते अपने को 9 दिन के अंदर। अब गाड़ी में देखो गाड़ी चलेगी तो काम भी आएगा, टूट फूट भी होगी, टायर भी फूटेंगे, कागज भी आएंगे, सब कुछ होगा भाई, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं भाई, कोई गम नहीं है। अब गाड़ी में काम करा लिया तो काम तो कराना पड़ेगा भाई, गाड़ी में काम कराएंगे तो ही गाड़ी चलेगी ना, तो यही बचत हुई भाई अपने को इस वाले चक्कर में काम कराने के बाद 17790 रुपये मतलब मोटा मोटा 18000 रुपये की बचत हो गई, गाड़ी भी अपने ओके हो गई है। और एक दो भाई ऐसे है कमेंट कर रहे थे विकी भाई गाड़ी के कागज का खर्चा बताओ, जैसे कि फिटनेस है, बीमा है, परमिट है, नेशनल परमिट है, टैक्स है, कितना लगता है एक साल का खर्चा, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, और आप लोगों को जैसे जो भी पूछना है जिस भी बारे में पूछना है और वीडियो बनवाना है तो आप लोग मेरे को बोल देना कि विक्की भाई इस बारे में आप वीडियो बनाओ ऐसा करके, तो मैं उस टाइप का वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को उसके बारे में पता भी हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इसी के साथ में आज वाले इस हिसाब के ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, और मिलते हैं आपके एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले भाई करते हैं आप लोगों को टाटा बाय बाय।